उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना आत्मदोला इलाके में हो रही चोरी और लूट की घटनाओं में पुलिस ने आज एक गैंग को पकड़कर सफलता हासिल की है। कब्जे से 2 तमंचे, लोहे की रॉड और एक करीब 30,000 रुपये नकदी भी बरामद की गई है और पकड़े गए लुटेरों पर लूट चोरी जैसी घटनाओं के करीब एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल थाना आत्मदोला इलाके में लगातार चोरी और लूट की घटनाओं में इजाफा हो रहा है और हाल में ही एक टाइल्स के गोदाम में 10 लाख रुपए की चोरी हुई थी तो वो घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसी के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है और आज पुलिस को सफलता मिल गई। पुलिस ने जयदेव, अनु, मनोज और राकेश को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में पता चला है कि इस गैंग ने पूर्व में अछनेरा इलाके में एक पेट्रोल पंप पर लूटपाट की थी। ऐसे तमाम लूट और चोरी की घटनाएँ इनके द्वारा आगरा में अंजाम दी गई है। फिलहाल इन लोगों को पकड़े जाने पर इन घटनाओं में गिरावट आएगी। ये अभी विगत कुछ दिनों से थाना आत्मदोला में इंडस्ट्रियल एरिया जो है मुंगाई प्रकाश आदमी लगातार जो है चोरी घटनाएं अपराधियों द्वारा की जा रही हैं, जिसमें उनका मॉडस ऑपरेंडी था कि एक फैक्ट्री में 4-5 लोग आते थे, रात्रि समय कूद घुस जाते थे और चौकीदार को बंधक बना के या उसे किसी लोकल हथियार से स्तरिया रॉड आदि से मार देना और उसका फैक्ट्री का कुंडा जो आला निकब से तोड़ के और उसका सामान या पैसा चोरी करने की शिकायत मिलेगी। इसकी सूचना पर जो है एसएसपी महोदय के निर्देशन पर एसएमसीटी साहब द्वारा और मेरे द्वारा एक टीम गठन किया गया, जिसमें एसएसआई छत्ता, इंस्पेक्टर आत्मदोला और चौकी इंचार्ज फाउंड्री नगर और मुंधाई ने लगाए गए साथ में। तो हम लोगों द्वारा सर्वलांस और मुखबिरी के प्रयोग करते हुए कुछ लोगों को पकड़ने में हमको सफलता प्राप्त की है 17 तारीख को, जिसमें उनसे जब गहन पूछताछ की गई है तो उसमें उनके द्वारा लगभग 3-4 घटनाएँ चोरी की जो इंडस्ट्रियल एरिया में हुई थी विगत दिनों में उनका खुलासा किया गया है। इसमें एक मुख्य रूप से एक जयदेव जाट नाम के व्यक्ति हम लोगों द्वारा पकड़ा गया है, जो कि अछनेरा थाने से 2015 से गैंगस्टर वांटेड चल रहा था। उसके घर वालों द्वारा बताया गया था कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो पुलिस इस संबंध में कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो ये इसे गिरफ्तार किया गया, इसने भी जुर्म को मिला है। ये अछनेरा क्षेत्र में कई इसके द्वारा लूट की और डकैती कई घटनाएँ कार्य की गई हैं। ये मूलतः चिकसाना राजस्थान भरतपुर का रहने वाला है, यहाँ पर अपना नाम आदि बदल कर छुपका रह रहा था। जो है इस तरह समस्त घटनाओं के ग्रामीणों की रिकवरी हम लोगों द्वारा की गई है। अभी 30,000 रुपये इनके खिलाफ 2 तमंचे और आला नकब और अन्य सामान मिला है। कुछ और सामान है वो रिकवरी करने के प्रयास किया जा रहा है। एक अभियुक्त फरार हो गया है। हाल में टाइल्स गोदाम में बड़ी चोरी हुई थी, उसमें सीसीटीवी फुटेज है, उसी के आधार पर पुलिस का ये एक सीसीटीवी हम लोगों ने देखा था। टाइल्स सेनेटरी गोदाम में चोरी हुई थी, उसमें एक फोटो आई थी, उसे हम लोगों ने पेपर में और अब जो पुलिस के मुखबिर रहते हैं मुखबिरों को लगाया गया तो उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया। धीरे धीरे हम लोगों इस तक पड़े और गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इसे देखने के बाद ये व्यापारी द्वारा संबंधित 10 लाख की चोरी मुकदमा लिखाया गया था, परंतु जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछा गया, इनके द्वारा मात्र कुछ रुपये वहाँ से मिलने के संबंध में सूचना दी है। 10 लाख की चोरी आते समय पूरी तरह इन्होंने निराधार बताया। आपराधिक इतिहास कितना है, जयदेव है, इसके ऊपर करीब 14-15 मुकदमे गंभीर धारा डकैती लूट आदि मुकदमे हैं और जो 4 अभियुक्त हैं इनके ऊपर चोरी के मारपीट आदि के मुकदमे हैं और एक अभियुक्त जो आकाश फरार है उसके द्वारा इनके मूल रूप से चोरी के मुकदमे हैं। ये 7 चोर हैं जो कि सातराना अंदाज से शहर में कई द्वारा चोरी घटनाओं को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा से इमरान खान की रिपोर्ट।